आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। इस समय भाईंदर पश्चिम 60 फीट रोड सेंट जेवियर हाई स्कूल में मैं आपको बता दूं कि आज स्कूल में प्री प्राइमरी स्कूल का यहां पे उद्घाटन किया गया पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के हाथों द्वारा। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे आने वाले हैं जो पढ़ने वाले हैं वो किस तरह से, अगर अक्सर आप देखेंगे तो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ कहीं बाहर जाना नहीं चाहते हैं और रोते हैं, लेकिन ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया, यानी कि स्पोर्ट कितने अलग अलग यहाँ पे स्पोर्ट है। एक देखो यहाँ पे बालक कैसा खेल रहा है, जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे तो हंसी खुशी आएंगे और वो उनकी इच्छा होगी कि मैं स्कूल में जाऊं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्पोर्ट सेंटर बनाए गए। और मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे टेबल किस तरह से बनाया गया, यानी कि बच्चों को ऐसा फील ही नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ, यानी बच्चे यहाँ पे अपने आप आएंगे, यहाँ पे पढ़ने आएंगे। साथ साथ बता दूँ यहाँ के जो टीचर हैं काफ़ी अच्छे हैं, इन बच्चों को के साथ में मिलजुल के रहेंगे और उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर स्वामी से और पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता से और कुछ टीचर से। 20 सालों से ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र के अंदर सरस्वती का मंदिर है। आज यहाँ पे प्री प्राइमरी तो पहले भी थी, रीइनोवेशन किया गया। ज़माना बदल रहा है, तरीके बदल रहे, टीचिंग मेथड बदल रहे। घर के अंदर हम पहले चाल में रहते थे, छोटे रूम में थे, घर के अंदर भी इंटीरियर हमेशा बदलता है और वो ज़रूरत होती समय की। जो बच्चे जिस मानसिकता से आते वही उनको एम्बियंस स्कूल में मिलना चाहिए, तो उन चीज़ों को स्वामी सर ने जाना, स्कूल ने जाना कि हम भी बच्चों को वातावरण दें जहाँ बच्चे ऐसा क्या बोलते संतुष्टि फील करे और पढ़ने की चाहत जागे। तो आप ये सब देख रहे हो कि प्लांटेशन है, कैटरपिलर है, वो रंग बिरंगी है, दीवार पर पेंटिंग है, इससे बच्चे प्रभावित होते हैं, उनको लगता है कि मैं यहीं रहूँ और यही सारी सारी दीवार हो तो बच्चे भी उठ जाते, बोले मैं इससे चाहे घर जाता हूँ। तो इस स्कूल के अंदर बच्चे टिके, बच्चे लाइक करे और जहाँ बच्चे टिकते फिर वो बहुत कुछ सीखते भी। तो जो समय की ज़रूरत के हिसाब से ये चल रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इनको बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर टीचरों के बारे में क्या कहेंगे, अभी भी आपने कुछ दो सब कहे टीचरों के लिए? देखिए टीचर जो है उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, इसलिए कहते हैं कि हम उन्हें गुरु का स्थान देते हैं और गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, शास्त्रों में भी कहा गया है। इस देश में अगर नरेंद्र मोदी जी हो, नरेंद्र मेहता हो, आप हो या मैं हूँ, या साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इन सबको बनाने वाला कोई और टीचर ही हो। लेकिन हम अगर इनकी जर्नी देखें तो आप देखिए सुबह जल्दी उठना, बच्चों अपने बच्चों को तैयार करना, भागे भाग स्कूल में जाना, फिर औरों को बच्चों को अपना बच्चा समझ के उन्हें पढ़ाना, फिर शाम को जाके गए और इन्हें अच्छी तरह पता है। अगर हम बाकी फील्ड में देखते तो आदमी लखपति से करोड़पति को अमीर आदमी, ये आदमी अगर हम डॉक्टर की बात करें, डिस्पेंसरी से हॉस्पिटल, जो जिस प्रोफेशन में एक स्कोप अनलिमिटेड है, इनके अगर आप स्कूल में देखो तो टीचर, हेड मिनिस्टर और कोई हज़ारों में एक आधा हुआ तो प्रिंसिपल, इसके आगे इनका चार्ज भी नहीं है और प्रमोशन भी नहीं, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्रीज को चुनना और शिक्षा देना और देश के अंदर अनगिनत ऐसे हुनर बच्चों को तैयार करना, इसलिए उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान और रिस्पेक्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे स्कूल में आए तो हंसी खुशी से आए, खेल कूद यहाँ से संतुष्ट होके जाए, जैसे हमारे मेहता साहब ने कहा, और बच्चे को ऐसा लाइक होना चाहिए कि मैं एक अच्छी स्कूल में जा रहा हूँ, पढ़ाई भी हो, खेलकूद भी हो, बच्चों का हर तरह से विकास। आप अपने स्कूल में बच्चों को क्या देना चाहेंगे? बच्चों को भाई पहले बात है एजुकेशन, संस्कार, अच्छा खेल कूद और इस, और तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चों का मतलब आगे जाके फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर होए आज के ज़माने को देखते हुए। मायसेल्फ आई एम ग्लोरिया, मैं ग्लोरिया हूँ एंड आई एम अ टीचर ऑफ दिस प्री प्राइमरी सेक्शन। पहले थोड़ा बहुत डिफरेंट था लेकिन अभी जो लोग आपको दिख रहे हैं इज टोटली डिफरेंट एंड योर चिल्ड्रन विल रियली एंजॉय सीइंग द सराउंडिंग एवरीवेयर। इन एवरी वॉल यू कैन सी देयर इज अ टीचिंग एड, सो इवन इफ द चाइल्ड इज डिस्ट्रैक्टेड ही कैन समवेयर ऑफ द अदर कैन लर्न द फ्रूट्स, द अल्फाबेट्स एंड इट्स ऑल सराउंडेड बाय नेचर्स, वाटर एनिमल्स, सो उनको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे पढ़ के। ऑडियो विजन है, यू नो प्ले वे मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। मैम क्या क्या नाम है आपको, क्या कहेंगे? मेरा नाम मेलिना डिसोजा, आई एम अ टीचर ऑफ प्री प्राइमरी सेक्शन। पहले तो यहाँ पे अपने नॉर्मल टाइप का क्लासेस था, दिस एवरीवेयर व्हाट इट इज, बट नाउ अभी यहाँ पे कुछ नया लुक भी किया है जहाँ पे हम लोग बच्चों को ज़्यादा ही नॉलेज दे सकते हैं, जैसे उनका ग्रोन अप वेल डन, ऐसे जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखाएं कि व्हाट इज़ आवर नेचर लुक, व्हाट इज़ आवर प्लेइंग, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नंबर जो भी है हम लोग अपने तरफ से बहुत अच्छा उनको सिखाना चाहिए।